इतने सारे करोड़ मिले इतने सारे करोड़ मिले उनके हाथ में हवा इलेक्शन लोगों को लाभार्थी उनको अन्न देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है? Uh, बिजली फ्री में देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है? आप जानते हैं कि आपके विचार हैं आप अपने विचार बहुत मजबूती से रखते हैं उस विचार की वजह से आपकी आलोचना भी होती है तीखी आलोचना लेकिन फिर भी आप अपनी बात कहते हैं डट के कहते हैं हम जो पथ पे जा रहे हैं उसमें गति तो बढ़ नहीं सकती है पथ को बदलना है जिस पथ पे हम जा रहे हैं वो चीनी पथ है यूके को हमने बीट कर दिया और थर्ड लार्जेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक, एक जो विजन बनाने की नंबर से नहीं बनती है हाँ। रास्ता क्या है जो हम लेंगे 2004 से 2014 का जो कालखंड है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से लॉस्ट डेकेड की तरह बोला आप उस कार्यकाल में भी थे और इस कार्यकाल में भी थे उस दस साल में उस दशक में और इस दशक में आपका असेसमेंट क्या है विज दिस स्टेटमेंट कॉल्ड द दे लॉस्ट डेकेड? नमस्कार द रेड माइक में आपका स्वागत है भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही जा रही है हम उस दिशा में चल भी पड़े हैं ऐसा बताया जा रहा है कितनी तेजी से बनेंगे और जिस तरीके से बन रहे हैं क्या वो सबसे उचित तरीका है या नहीं अब इस पर तमाम लोगों के अपने अपने मत होते हैं और एक ऐसा मत एक नई किताब के माध्यम से रघुराम डॉक्टर रघुराम राजन और रोहित लांबा जी ने भी बात सामने रखी है आपकी नई किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर डॉक्टर राजन और लांबा जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द रेड माइक में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर राजन सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आ, आप कहते हैं ब्रेकिंग द मोल्ड जिसका हिंदी में मतलब होता है कि एक एक खांचा खांचे को तोड़ करके एक सोच बनाई जाए अर्थव्यवस्था के लिए आप जानते हैं कि आपके विचार हैं आप अपने विचार बहुत मजबूती से रखते हैं उस विचार की वजह से आपकी आलोचना भी होती है तीखी आलोचना लेकिन फिर भी आप अपनी बात कहते हैं डट के कहते हैं जाहिर सी बात है ये कोई खांचा टूटा होगा जिसकी वजह से ही आपके विचार अलग हैं और जो अभी मौजूदा सरकार है उसका अर्थव्यवस्था वो जिस तरीके से चाहती है वो विचार अलग है तो क्या आप मानते नहीं हैं कि खांचा तो पहले ही टूट गया है अभी टूटा नहीं है हाँ। एक एक मोल्ड है एक खांचा है uh, जो uh, you know, सिकुड़ के रख रहा है uh, हमारे अर्थव्यवस्था को अगर हमें तेज़ी से बढ़ना है अगर uh, उत्पादन की गति बढ़ाना है तो हमें वो यू नो मोल्ड को तोड़ना चाहिए और हम इस किताब में ये कह रहे हैं कि हम जो पथ पे जा रहे हैं Uh, उसमें थोड़ा uh, गति तो बढ़ नहीं सकती है uh, पथ को बदलना है जिस पथ पे हम जा रहे हैं वो चीनी पथ है मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है uh, और यू नो लो स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबली कहते हैं uh, जुड़ के बनाते हैं चीज़ों को uh, उस पथ पे जा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहले उस पथ पे जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उच्च कुशल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे और चीन जैसा बढ़ेंगे लेकिन दो प्रॉब्लम है उसमें एक तो चीन उधर ही है हमारे साथ कंपटीशन होगा चीन के साथ जब चीन उस पद पे पहले शुरू हुआ था तब कंपटीशन अमेरिका से था और चीनी वर्कर्स काफ़ी सस्ते थे इसलिए चीन सक्सेसफुल हुआ उसमें जब हम जा रहे हैं उस पद पे हम चीन के साथ कम्पीट कर रहे हैं तो ये कंपटीशन तो ज़्यादा ही है उस उस वक़्त से तो वो एक प्रॉब्लम है दूसरा ये प्रॉब्लम है कि अभी ये जो वेस्ट है अमेरिका यूके वो अम चीन से जो आयात हैं उनको बंद कर रहे हैं उन पर टैरिफ्स लगा रहे हैं उनमें ये नहीं ये कैपेसिटी नहीं है कि इंडिया से अगर हम चीन जैसे एक्सपोर्ट करेंगे उनको तो वो मानेंगे नहीं वो हम पे भी टैरिफ्स लगाएंगे यानी कि दुनिया बदल रही है उस पथ पे जाना अभी मुश्किल होगा तो हम कह रहे हैं कि दूसरा पथ है जिसमें हम सर्विसेज़ को एम्फोसाइज करेंगे हायर ऑर्डर सर्विसेज़ और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सर्विसेज़ को एम्फोसाइज करेंगे तो उस पर ज़्यादा रूम है एक्सपोर्ट करने के लिए और इस किताब में लिख रहे हैं कि वो कैसे करेंगे जी रोहित जी क्योंकि आपको ऑथर हैं आपने साथ में ये किताब लिखी है तो जो डॉक्टर राजन बता रहे थे कि ये एक आप जो जिस पाथ पर चल रहे हैं और मेरे ख्याल से डॉक्टर राजन ने भी वो आंकड़े देखे होंगे जितनी तमाम एजेंसीज़ हैं उनका ये मानना है कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो सिक्स परसेंट प्लस का प्रोजेक्शन है 2024 के लिए भी ये जो चीज़ आप सुझा रहे हैं अपनी किताब में कि हम मैन्युफैक्चरिंग लेड पर पूरी तरीके से चाइनीज़ मॉडल पर फोकस ना करके थोड़ा सा सर्विसेज मतलब अपनी हम जो जो हमारा तरीका है उसको अडॉप्ट करें Uh, इससे आपके मन में uh, क्या आता है कि एक तो ये इम्प्लीमेंट करने में कितने साल लगेंगे इस अप्रोच को दूसरी चीज इसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस होगी या नहीं मैं नहीं जानता और तीसरी चीज़ इससे कितना प्रोजेक्शन uh, बढ़ सकता है मतलब इफ़ यू आर लुकिंग एट सिक्स परसेंट ग्रोथ राइट नाउ इंटरनेशनल एजेंसीज दिस मॉडल दैट यू प्रपोज उसका क्या एक हाउ 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 मच ऑफ ग्रोथ डू यू एनविजन हमारा यू नो हम ये सोचते हैं कि एक एक जो बहुत मूल सवाल है भारत के सामने ये है कि क्या भारत आ, अभी भारत बहुत एक जवान देश है क्या भारत आ, एक एक थोड़ा यू नो बूढ़ा देश होने से पहले क्या वो एक समृद्ध देश बन सकता है डेमोग्राफिक तो डिफेंस हमेशा तो नहीं रहने वाला है बिल्कुल तो एक टाइम फ्रेम हमें मिला है ठीक है और वो प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में बात करते हैं सही कहते हैं कि हमें एक, एक एस्पिरेशन होना चाहिए 2047 तक हमें एक समृद्ध देश बनने का एक एस्पिरेशन होना चाहिए सवाल यह कि वो कैसे होगा अब आप अगर चाइना का आ, के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना जिस स्टेज पे अभी पहुंचा है जो चाइना अभी भी कोरिया या अमेरिका के के लीग में नहीं है चाइना एक मिडिल इनकम कंट्री है जो बिकॉज ऑफ इज वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है उसको बनने के लिए आप जो सिक्स परसेंट बोल रहे हैं चाइना ने दो दशक तक दो ढाई तीन दशक तक डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो होता है पूरा नहीं बट स्पेक्टेकुलर बहुत ही एक ग्रोथ रेट पे जब वो चले कंसिस्टेंटली दो दशक तक तब वो जाके इस, इस कैटेगरी में पहुंचे, पहुंचे हैं बारह हजार तेरह हजार डॉलर उनकी पर कैपिटल जो इनकम है हमारी अभी ढाई तीन हजार है सिर्फ तो पहली बात तो हमारी जो एक एस्पिरेशन है बहुत ज्यादा होनी चाहिए बट जैसे रघु बोल रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है जो दुनिया जो रिसेप्टिव थी चाइना के को इत, उसको उसको इतना एक्सपोर्ट करने के लिए वो इंडिया को इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी नहीं। तो जब हम सोच रहे हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फैक्ट्री एक इधर लग गई ये एक इधर एक कंपनी इधर आ गई उस पर हमने शोर मचा दिया आपका एक बड़ा विजन क्या है भारत को लेके ये बहुत जरूरी सवाल है और ये हर भारतीय को अपने आप से पूछना चाहिए अपने समूह से पूछना चाहिए अपने प्रांत से पूछना चाहिए और फिर अपने पूरे देश से अपने अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि हमारा क्या विजन है वो, वो विजन तो बोल दिया ना डॉक्टर राजन सरकार कह रही है कि थर्ड लार्जेस्ट यूके को हमने बीट कर दिया और थर्ड लार्जेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक जो विजन बनाने की बात नंबर से नहीं बनती है रास्ता क्या है जो हम लेंगे वहां पहुंचने के लिए हम कह सकते हैं हम सेकेंड लार्जेस्ट बनेंगे हम बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेंगे लेकिन यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में क्या करना पड़ेगा तो हम ये कह रहे हैं कि आपको यू नो यू नीड टू लुक एट फंडामेंटल्स कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं हम किस चीज़ें में मजबूत हैं तो व्हेन यू लुक एट दैट जो आप कह रहे थे कि आप ये सर्विसेज कैसे करेंगे हम कर रहे हैं सर्विसेज कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरह तरीके से कर रहे हैं अब जो सर्विस ग्रोथ है जो पोस्ट पैंडमिक सर्विस ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी गुना अच्छा है एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम किताब में लिखते हैं कि गोल्डमैन uh, सैक्स का सबसे बड़ा ऑफिस गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिकन बैंक है सबसे बड़ा ऑफिस जो अमेरिका uh, 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 से बाहर है वो इंडिया में है आठ हज़ार लोग काम कर रहे हैं गोल्डमन सैक्स के लिए ये सिर्फ नहीं कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स बना रहे हैं तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं तो जब हम कहते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं ये नहीं कि हम हवा से उठा रहे हैं कि और कह रहे हैं ये कर सकते हैं वो ऑलरेडी हो रहा है, है। बहुत तेज कर बढ़िया तरीक़े हम मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल ट्रेड में शायद तीन या चार परसेंट है लेकिन सर्विसेज में सात परसेंट है तो आ, हमारा स्ट्रेंथ है सर्विसेज आपको लगता है डॉक्टर राजन एक बात जो मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज में भी देखी जिसमें आप कह रहे थे कि आ, ग्रोथ हो लेकिन अगर ग्रोथ वो आ, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं करता है या अगर जनरल इकोनमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्रिएट नहीं करता है तो शायद वो उतनी उतनी मुकम्मल ग्रोथ नहीं होगी जितनी होनी चाहिए हाँ दो दो चीज़ें की ज़रूरत है कि भारत में ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करना है हमें क्रिएट करना है और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे नौकरियाँ होनी चाहिए अच्छी नौकरियाँ अच्छी, अच्छी नौकरियाँ होनी चाहिए क्योंकि मैं दक्षिण से हूँ आपकी इस... हिंदी बहुत ज़बरदस्त है इस थ्रीलिंग पुलिंग में <laughs> थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी आ, लेकिन आ, तो तो अच्छी नौकरियाँ और काफ़ी ज़्यादा नए नौकरियाँ पैदा करनी हमें तो कैसे करेंगे ये जो जो ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ तो अच्छा है छः परसेंट हो रहा है शायद इस साल साढ़े छः परसेंट होगा लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का नंबर है वो भी बहुत ही गंभीर है ये सी के डेटा से आठ परसेंट बताते हैं दस परसेंट बताते हैं हमारा जो डेटा है इतना अच्छा नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का लेकिन दस परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट जब यू नो छः परसेंट ग्रोथ हो रहा है तो उसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रहा है या यू नो जो आप कह रहे हैं इक्विटेबल ग्रोथ नहीं हो नहीं रहा है हुँ. एक सवाल मैं रोहित जी आपसे भी पूछूंगा और डॉक्टर राजन से भी पूछूंगा लेकिन पहले डॉक्टर राजन से क्योंकि Uh, आपने यू सर्व इन यू नो प्रीवियस गवर्नमेंट द प्रीवियस गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल दो, आपने, आपने में और हाँ। वो बहुत ही यूनिक सिचुएशन तो, uh, में है हाँ आप ये कंपैरिजन करने के लिए वो मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी ने दो uh, हजार से 2014 का जो कालखंड है उसको uh, आर्थिक दृष्टिकोण से लॉस्ट डेकेड की तरह बोला आप उस कार्यकाल में भी थे और इस कार्यकाल में भी थे उस दस साल में उस दशक में और इस दशक में आपका असेसमेंट क्या है विज वी दिस स्टेटमेंट कॉल द लॉस डेकेट वर द यू पी अ लॉस डेकेड आई डोंट थिंक दे वर अ लॉस डेकेट आई डू थिंक दैट पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस द इकॉनमी स्लो डाउन बट बिफोर दैट टू थाउजेंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट वर्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नाउ वेन इट्स फार्मर्स ऑल्सो हैड अ वेरी गुड डेकेट जो कृषि में इनकम्स पैदा हुए उस वक्त तो देवर वेरी गुड उसके बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे वो रुक गए then i think we had a slowdown uh, and uh, i think uh, it took a long time to come out of that. Um, i would say we haven't yet recovered that, that, that strength we had not just during the upa government but during mr. atal Bahari, bihari vajpayee's government. you golden quadrilateral program, unone, that was great for india. Uh, infrastructure buildout. अभी भी आ, आ, सरकार आ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छी कर रही है लेकिन जिस संदर्भ में डॉक्टर राजन ये बात कही गई थी वो कही गई थी पॉलिसी पैरालिसिस फैसला न लेना बहुत आ, स्कैम्स होना घोटाले होना उस दृष्टिकोण से वो लॉस डेकेड हो गया ये संदर्भ था ये भी था कि वो जो 2009 थाउजेंड तो नाइन टू टू थाउजेंड फोर्टीन गवर्नमेंट था उनके पास बहुमत नहीं था देव ए मेजॉरिटी पार्लियामेंट So, when you look at goods and services tax, mm. it was proposed. Correct. Who was oppo opposing it at that point? Mm. Huh? You have to ask the question why didn't we make progress in parliament? Mm. Parliament wasn't allowed to function. I mean, I was there during those days That's also, correct. and I know exactly what <coughs> happened. So, you can't suddenly point a finger and say nothing happened. Paralysis was partly opposition led also. Mm. Now, that said, I mean, once you have a majority, trying to push it towards growth is a good thing. Mm. What we are questioning now is not so much that there is a uh, concerted effort by the government. We are saying what you are forgetting about is the underpinnings of strong growth for the next 20 years. This 35% of malnutrition. Uh, malnutrition. Mm. You should worry about it mm. because their brains will not be able to function as well as others mm. 20 years from now. Yeejo, Rohijin uh, ki in 2047 is a good time to look at, because that's when, 100 years since independence, we should be a much more developed country. How can you be a developed country when 35 percent of your workforce can't even think straight because they have been uh, suffered from malnutrition? We need to fix it today. You can't uh, have that level of malnutrition and talk about being anything like a developed country. In our fifth class, fifty percent of the children can 't uh, do mathematics at the second class level. What are we talking about being a, a first world nation? If your children can't read and write at the high school level, one big thing that China did was improve the quality of the education of everyone. Mm. If your average person has a high school education, they can open businesses. Mm. Because they can do the accounting, they can see what's coming in, what's counting. If your average, this thing can't do math at the uh, fifth grade level, what, what kind of accounting can they do? They can't open businesses. So, if we want the nation to develop, we need to look at what the situation is today and starting with rectifying the quality of our people and giving them a better chance at a future, and all our people. बेस्ट तो रोहित जी आपको लगता है अभी जो डॉक्टर राजन बोल रहे थे इस लिहाज में वी कैन एप एप विल बी बी अ बैड वर्ड बट मे फॉलो द चाइनीज मॉडल कि आप हेल्थ एजुकेशन को एकदम ग्राउंड लेवल तक ले करके जाए उस मामले में आप भले ही तुलना कर लें लेकिन बाकी आप अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलें नहीं एक बहुत अच्छी सीख हमें लेनी चाहिए चाइना की इकोनमी uh, से और उनके जनरल गवर्नेंस uh, से कि उन्होंने किया कैसे कि एक एक हम चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि इवन दो चाइना जो है एक बाहर से ऊपरी दृष्टि से एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर लगता है बट एक्चुअली उनके जो डे टू डे डिस लिए जाते हैं वो बहुत ही लोकल लेवल पे लिए जाते हैं जब चाहे वो हेल्थ के बारे में हो एजुकेशन के बारे में हो या तक कि इवन बिजनेस के बारे में हम किताब में लिखते हैं कि कैसे वहाँ पे एक कंपटिटिव क्लोनिज़म हो गया था कि एक मेयर दूसरे मेयर से लड़ रहा है कि नहीं नहीं मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे चाहिए। और वो एक एक, एक, एक फाइनेंशियल टाइम्स के एक ब्यूरो ने किताब लिखी थी बहुत खूबसूरत नहीं समझा जा सकता हेल्थ एजुकेशन के मामले में हमें बिल्कुल चाइना से सीखना चाहिए उनका फाउंडेशन बना ढांचा बना जिसके ऊपर उन्होंने मैन्युफेक्चरिंग जगह क्रिएट किया लेबर फोर्स थी जो एक मीडियम स्किल्ड बट इन लार्ज नंबर जिसकी जो एक बहुत बड़ा रीजन था और वो और हेल्दी थे मतलब वो हमारे वहाँ मेल्यूट्रेशन प्रोग्रेसिवली कम हुआ उन्होंने उस पर बहुत काम किया हमारा तो हेल्थ और एजुकेशन बजट जो है वो uh, मतलब ग्लोबल एवरेज के नीचे ही रहता है हाँ एक्चुअली वो आ रहा है ग्लोबल एवरेज के you know, जैसे जैसे हम नहीं अब बढ़ गया आ, है 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 आ ग्लोबल आ रहा रहा की तरफ जैसे जैसे हम एलोकेशन बढ़ा रहे हैं स्टेट और सेंटर मिला के हमें और फोकस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पे कि हम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं कैसे खर्च कर रहे हैं कहाँ पैसा जा रहा है प्राइमरी स्कूल लेवल पे हायर एजुकेशन लेवल पे और एक जो मैंने जब नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा जो 2020 की बहुत ही उमदा डॉक्यूमेंट है Correct. इसी गवर्नमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए बहुत अच्छे सजेशंस हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर को पहली बार एक्नॉलेज किया गया hmm. है कि जो अगर बच्चा अगर 5 साल की उम्र तक अगर अपनी अ, अ, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस नहीं करता है तो वो बा, बाकी लाइफ में डॉक्टर राजन अब एक कुछ एक आधा सवाल पर आते हैं जैसे कि एक चीज़ पर आपकी बड़ी गजब की ट्रोलिंग हुई एंड आई एम श्योर यू बीन आस्क दिस क्वेश्चन रिपीटेडली आपने एक संदर्भ में ये बोला था कि हम बड़े लकी होंगे अगर हम पाँच परसेंट भी जीडीपी ग्रोथ कर ले पाए और उसके बाद फिर जी के नंबर आए और फिर आपकी ट्रोलिंग हो गई hmm. तो आज आप क्या कहना चाहेंगे वो बाय द वे पिछले साल के नंबर पे भी ट्रोलिंग हुई इस साल के नंबर पे <laughs> पे भी ट्रोलिंग हुई <laughs> हां हम भाग्यशाली हुए वी हैव बीन लकी कैसे hmm. एक तो आ, 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 साल के प्रारंभ में इन शुरुआत में जनवरी में आ, ये इंटरव्यू दिसंबर में हुई थी hmm. तो आ, लोग क्या सोच रहे थे आ, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में hmm. सोच रहे थे कि फेडरल रिजर्व ने 520 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट्स को तो आ, आ, ग्लोबल इकॉनॉमी धीमी होगी hmm. और सोच रहे थे आ, अन, ये आ, अनुमान लगा रहे थे कि आ, आ, यूएस ग्रोथ आ, एक परसेंट होगी hmm. अब क्या हुआ लास्ट hmm. क्वार्टर uh, में यूएस की गति फाइव परसेंट हुई पाँच परसेंट तो एक परसेंट वो लगा रहे थे एक्सपेक्टेशन रियलाइजेशन पाँच परसेंट हुए हुँ. तो फ़र्क क्या था चार परसेंट वो यूएस आ, बाकी दुनिया में जो देश हैं जापान भी उसमें काफ़ी गति हुई तो आई थिंक डिफरेंस ये था कि जो स्लोइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे Uh, it never happened anywhere Correct. it didn't happen outside it didn't no. happen in India. in India my big worry was that it, the world would slow down and our exports which are growing fast mm. after the pandemic we'll recovery affected. will get affected and we will slow down I'm happy that India grew faster mm. I want India to grow much faster but you know we also need to understand why that that happened now if you look We've had ups and downs since the pandemic. If you look of the last four years, from 2019 to now, mm. we've grown about four percent mm. per year, average four percent. That's you know not so good. What is more worrisome is we are still below the pre-pandemic trend rate, mm. uh, five percent below. So why are we growing without inflation? That's because we are still below the you know level that we should have been at. If we had grown at a steady rate post pandemic. So that's something to keep in mind. Okay. Celebrate the strong growth. It is good that we are growing strongly. There are some special factors, we don't need to go into that. Mm -hmm. But it is also something that is true of the world. Mm -hmm. And we should recognize that when the world slows, you have to be mm -hmm. prepared. Correct, correct. It's always good to be prepared. for, for the best, prepare for the worst. Exactly. This okay. mm -hmm. a uh, projection, hai, uh, FY24. का ग्रोथ फोर कास्ट एस एन पी ग्लोबल सेल्स पॉइंट फोर परसेंट दिस इज फॉर इंडिया आई एम एफ पॉइंट थ्री वर्ल्ड बैंक थ्री मूडीज सिक्स पॉइंट सेवन मॉर्न स्टैंडलीस फाइव एंड आर बी आई सिक्स फाइव डॉक्टर रघुराम राजन का दो के लिए आर यूंगीज आर ऑल रीजनेबल वी आर इट I think this is a reasonable number for where where we will end up, somewhere in the uh, early to mid 60s. Mm. Uh, I mean, there is a, a concern that the second half may be slower than the first half okay. because of you know some of these uh, you know GDP fluctuations over the year. But that said, there is there is nothing wrong with these numbers. Mm. Now, um, I think what is wrong is to say that I'm hoping mm. that we fall uh, in growth. Absolutely not. Nobody wants Nobody that. wants that. So, but what is this trolling? <laughs> I mean, I, I think it's more important <laughs> to be pessimistic and to get it right, to get it higher, than to be optimistic and get fall below. Oh, right? So, I mean, uh, just give you an example of, of one of the uh, situations. Uh, 2019 Economic Survey of India says we're going to grow at 5%. Mm. Okay, that was 2019. This was after you know half the year was over yeah. what was the final growth rate 3.7% mm -hmm. so we fell below the yeah. economic forecasts are always imprecise mm -hmm. sometimes they are imprecise on the downside sometimes mm -hmm. they are imprecise on the upside mm -hmm. the question is what should you be preparing for and that goes back to your point mm -hmm. hope for the best prepare for prepare the worst, for the worst. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर राजन ये मार्केट्स को आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि एक रिपोर्ट है इफ़ आई हैव इट करेक्टली एंड पार्डन इन माई इग्नोरेंस बिकॉज आपके जितना नॉलेज uh, नहीं है मुझको लेकिन एजेंसीज लाइक मॉगन स्टैनली दे से अ स्टेबल गवर्नमेंट विल पुश द मार्केट्स अप बाय 20 परसेंट और अभी ये जो रिजल्ट uh, आए इलेक्शंस के उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट्स हैव

There are some special features about India, which is a lot of portfolio money was looking for a new home. We haven't got a lot of that, uh, but it is looking for a home. So that is expectation that you know some of these Morgan Stanley index bond index money will come to India is helping uh, sort of keep uh, some of the expectations about rupee performance high. I think the very good performance of the large companies in India is also helping keeping the stock market high. So, there are some good, and this growth rate, which is uh, high compared to any other country in the G20, is also uh, creating a lot of uh, expectation that, that, that things will go well. Now, in this environment, when we are happy that uh, all these things are going well, what should we worry about, right? And so you, you ask uh, Dr. Dr. Rajan, what, what should we worry about? Mm. Well, we do have to worry about the uh, poorer sections of society that don't seem to be doing as well the small and medium firms don't seem to be doing as well when you look at for example the difference between four wheeler growth which is usually going passenger cars to the upper end and the uh, two wheeler, wheeler growth, growth which is going to the lower end two wheeler growth has been much more fluctuating and not steady steady increase since the pre pandemic days four wheeler growth spectacular increase upper income consumption spectacular big firm growth spectacular

वॉट डू थिंक दैट वी इन आर कंट्री नीड टू डिफाइन एक परिभाषा होनी चाहिए कि रेवड़ी क्या है और जन कल्याण क्या है तो क्योंकि अक्सर राजनीति में हम देखते हैं कि दोनों के बीच का फासला नहीं पता चलता तो मतलब आ, लोगों को लाभार्थी उनको अन्न देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है आ, बिजली फ्री में देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पर है क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैसा कहाँ से आएगा देखिए इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा एक तत्व है जो आई थिंक इज़ एट प्ले कि कि तो यू you नो know, मेरा ट्रांसफर जन कल्याण तुम्हारा ट्रांसफर लेवरी ये <laughs> एक बहुत ही सिंपल आप ना जब भी आगा, अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन की कोई स्पीच देखिए ठीक है तो वो इलेक्शन के आते आते वो एक कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में यू नो हो जाता है तो वो एक, एक चिंता का विषय है ये हर अर्थशास्त्री को ही नहीं हर एक सिटीजन को भी इसके बारे में एक एक क्रिटिकल लेंस से इसको इसको देखना चाहिए बिकॉज um, क्या है कि हमको अपने सिटीजन्स को इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो ए, सिर्फ रेवड़ी मांगने तक सीमित ना रह जाए hmm. कि आप अपनी सरकार से क्या मांगते हैं क्या क्या सरकार का रोल सिर्फ यही है कि वो आरक्षण दे गवर्नमेंट जॉब्स में और रेवड़ी दे ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है कि हम अपनी जनता को कैसे इतना सक्षम बनाए कि वो सरकार से बोले कि नहीं हमें हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए जिससे हम सक्षम हो सकें एक अच्छी नौकरी के लिए जो अभी जो डिबेट है ऐसा नहीं हम किताब में भी लिखते हैं बहुत क्लियरली कि ऐसा नहीं कि सरकारों को सिटीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए और भारत जैसे गरीब देश में तो बहुत अच्छे डिजाइन करके और बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा थोड़ी संकटपूर्ण है क्योंकि क्योंकि आ, और और इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए आई थिंक रघु बात भी कर चुके हैं इस बारे में कि जब वो आरबीआई में थे आ, उन्होंने उन्होंने फार्म लोन वेवर पे इलेक्शन uh, कमीशन से बात करने की कोशिश भी की थी कि अगर आप फार्म लोन वेर आप बोल देते हैं इलेक्शन से बाद में फिर आप आरबीआई के पास आते हैं कि अब हम इसको बताइए हम कैसे करें हाँ, कैसे करें हाँ. तो तो ये एक ये एक बहुत यू नो गंभीर इशू है जिसे आई थिंक मीडिया को भी एक जनता तक ये ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए हुँ. कि अगर ये प्रोमिस किया जा रहा है तो ये कहाँ से आएगा पैसा हुँ. पैसा तो टैक्स से ही आएगा तो जो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी एरिक कब तक कब तक आप कर पाएंगे ये आई थिंक बहुत एक इस पर कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है डॉक्टर राजन आपको लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि एक परिभाषा होनी चाहिए कि दिस इज़ वेलफेयरिज्म और ये रेवड़ी है वरना तो इसका हम कभी फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे नहीं आ, कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता हुँ. है ना जब हम आ, आ, सबसे गरीब लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं पैसे हुँ. तो वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं पैसे के आ, जैसे कि जो डाइट है उसको मजबूत बनाते हैं वेरिड बनाते हैं तो ये जो कुपोशन है वो कम हो जाती है आ, वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और वहाँ पे तो उनका ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिलता है शिक्षा मिलता है तो वो सब चीज़ें अच्छे हैं और जन जन कल्याण की ओर जाते हैं लेकिन जब हम अमीर लोगों को ट्रांसफ़र देते हैं पैसे देते हैं जब हम यू नो फ्री फूड ग्रेन सबको देते हैं ये जो अनटारगेटेड ट्रांसफ़र है उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं जो पैसे हम uh, इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या uh, ये जो सर्विसेज हैं एजुकेशन हेल्थ केयर उनको मजबूत करने में uh, पैसे लगा सकते हैं तो मेरे ख्याल में हर एक आ, पार्टी को ये आ, अच्छी तरह से कैलकुलेट करना चाहिए कि हम आ, गरीब लोगों को कितना दे सकते हैं और बिना तिजोरी को बिना खजाना लुटाए एंड दे मस्ट मेक दैट प्लान क्लियर बिफोर द इलेक्शन दैट वी हैव ए रिस्पांसिबल प्लान कि हम इतना दे सकते हैं और इन लोगों को देंगे क्योंकि इन लोगों की जरूरत सबसे अच्छा है सबसे ज़्यादा है ज़रूरत सबसे ज़्यादा है यहाँ पे और बाकियों को हम सर्विसेज देंगे शिक्षा को मजबूत बनाएंगे हेल्थ केयर को मज़बूत बनाएंगे आपको लगता है ये जो ये जो अनाज जिसकी आप बात कर रहे थे फ्री अनाज ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड में एक ज़रूरत थी तो उस समय वेलफेयरिज्म था और लेकिन इसको कंटिन्यू करते रहना बहुत लंबे समय तक ये फिर रेवड़ी हो जाता है। ज़रूर आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली राइट जब uh, uh, ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को देना चाहिए लेकिन ज़रूरत के बाद बंद कर देना बंद करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट में इतना वो क्या uh, बैकबोन नहीं है कभी कभी कि बंद करें हम कैसे वापस लेंगे ये चीज जो हमने uh, मुफ्त का दिया हाँ। uh, चुनाव ना हार जाए तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ट्रांसफर इट्स वेरी इजी टू गिव इट्स वेरी हार्ड टू टेक बैक आई मीन रिमेंबर व्हेन वी वर सब्सिडाइजिंग पेट्रोल इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ सब्सिडी बिकॉज हु यूज पेट्रोल द रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री यूज द मोस्ट ऑफ इट इट्स द वर्स्ट सब्सिडी But you can't take it back mm. because there will be riots on the street if mm. you take it back. So, what did the government do? Very clever. They raised the price of petrol one rupee every month mm. till <laughs> the <laughs> subsidy went off. Correct. What was amazing was when you took away the subsidy, there were still politicians saying yeah. when the price of petrol went up the next time, mm. Vapas liha? Vapas liha. You worked so hard to get this really bad subsidy off the table. Mm. And and then this, then is, this is what Rohit says that. वो डायलॉग जो है अटक गया कि कितना कितना पैसे दें कितना रेवड़ी दें और यही ब्रेकिंग द मोल्ड है इसको तोड़ना चाहिए लास्ट क्वेश्चन वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जिनका आज एक इंटरव्यू आया गर्ग साहब उनका यह कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आप हटा देंगे दे विल बी कैश ऑन द स्ट्रीट्स एवरीवेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर राजन व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के See, I think there are completely non-transparent way of financing parties. Who gave it, and what did they get? No So how can it be a transparent form of financing if an industrialist gives a thousand crores to a party? And we we'll never. Know. And we never know. Do you think it's as bad as cash? So, I think it's actually worse for the following reason hmm. that the only people who know is the State Bank of India. Hmm. Now, you know, how much is kept secret in India? That's the question I want to ask. And how much does the government know who gave hmm. and to whom? And does that make this an unequal form of funding? Because government can always call up the people who gave the opposition hmm. and say, hmm that is my worry i'm not saying it happens mm. it is my worry that this because it's non transparent but because indian secrecy is right. not that strong correct unfair advantage, unfair okay advantage, to, advantage to the ruling party oh, the independent hai, of bjp i think whoever is incumbent mm. uh, if this is the process will always be have a leg up leg up so they will get clean money the opposition will have They'll to not. use dirty cash yeah Toh, एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन यू रेट दिशन जैसे की इतने सारे करोड़ मिले इतने सारे करोड़ मिले उनके हाथ में हाउ आर इलेक्शन बंडल्स ऑफ कैश यूम क्रिएटिंग एन अनलेवल प्लेइंग फील्ड बिकॉज यू वन मेकिंग दैश गो हियर एंड दैक्स गो देर एंड देन यूर पुटिंग योर ईडी एंड योर सी बी आई टू गो ऑफ दो पीपल So, this is not a fair election process. I think we should look at this very carefully and examine. Now, many of the concerns I have uh, put forward could be addressed. Mm. But I think fundamentally in a democracy, not knowing who's funding whom mm. is a vitiation of the process. Mm. It's unclean. You should know who's funding whom. Then the uh, public can make a clean decision. डॉक्टर राजन और लांबा जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इट वॉज अ थर्ली एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन एंड लेट्स होप दैट वी ब्रेक द मोल्ड थैंक यू सो मच फॉर और आपके नए प्लेटफॉर्म के लिए शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू सर